है, इस काल में बहुत से रिसोर्स पर्सन को आप लोगों ने आमंत्रित किया है स्टूडेंट्स के लिए कि वो ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट उन सब लोगों से लर्न कर सकें। तो जैसे कि आपने बताया, हो सकता है कि ये कोरोना नहीं होता तो ये सब चीजें शायद संभव इतनी जल्दी नहीं हो पाती। तो आप सभी लोगों के, आपकी जो पूरी टीम है, आप सभी लोगों के इस एक बहुत बड़े प्रयास को मेरा कोटि कोटि नमन कि आप लोगों ने जितना यहाँ पे दुर्लभ समझा जाता है कि स्पेशल एजुकेशन जो फील्ड है उसमें जो स्टडी मटेरियल है वो बहुत कम है और आपको बहुत प्रयासों के बाद उपलब्ध हो पाता है। तो आप लोगों ने बहुत ही सहजता से और एक टीम वर्क के द्वारा देश के कोने कोने से जो भी रिसोर्स पर्सन रहे और जिन्होंने आपने वेबिनार्स के थ्रू और गूगल मीट के थ्रू प्रोग्राम्स करवाए और स्टूडेंट्स को जो लर्निंग मटेरियल उपलब्ध करवाया है उसके लिए आपकी टीम, आप सभी बधाई के पात्र हैं। और साथ में मैं, मेरा नमस्कार उन सभी श्रोताओं को, उन सभी हमारे स्पेशल एजुकेटर्स को जो अभी इस फील्ड में पदार्पण करने वाले हैं, और साथ में जो प्रोफेशनल्स जितने भी हैं आप सभी को मेरा नमस्कार, गुड आफ्टरनून। तो जैसा सर ने बताया कि जो फ्रैक्शंस और अगर हम बात करें स्क्वायर रूट की, तो दोनों अपने आप में काफी बड़े लंबा समय लेंगे उसको समझने में, क्योंकि अबेकस को एक बार में समझना या सुन के समझ लेना और कर लेना उतना सरल नहीं है अगर आप अटेंटिवली नहीं सुनते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो आप उसको भूल जाते हो। तो अगर हम एक लंबा सेशन करते हैं तो हो सकता है कि उसका जो हमारा उद्देश्य है वो पूरा नहीं हो पाए। इसलिए धन्यवाद कहना चाहूंगा कि आपने, तो मैं भी यही विचार कर रहा था कि इस तरह से कुछ हो ताकि हम एक टॉपिक आज हम कर लें और दूसरा टॉपिक हम उसके बाद करें। तो अब आज हम अबेकस पर फ्रैक्शंस शुरू करेंगे, और फ्रैक्शन में सबसे पहले कुछ चीजें होती है जो जान लेना जरूरी है, और मैं समझता हूं कि सब लोग उसके विषय में जानते हैं जो बेसिक है। जैसे फ्रैक्शन जो होती है वो उसके दो पार्ट होते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। और उसके अलावा जब मिक्स फ्रैक्शन की हम बात करें तो उसमें एक होल नंबर होता है, होल नंबर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से मिक्स फ्रैक्शन बनती है। तो इसमें हमें अबेकस पर जब हम किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो उसमें अलग अलग जो बार्स हैं वो हमने वो अलॉट हुई हुई है कि आपने कहाँ पे डिनोमिनेटर लिखना है, कहाँ न्यूमरेटर लिखना है और कहाँ पे होल नंबर लिखना है। तो उन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए एक सिस्टमेटिक वे से जब हम शुरू करते हैं तो डेफिनेटली आप अच्छे से प्रैक्टिस के साथ अबेकस पर अपनी कमांड हासिल कर सकते हो। तो ज्यादा देर ना करते हुए मैं पहले अबेकस से शुरू करना चाहूंगा कि अगर स्टूडेंट्स या जो भी प्रतिभागी हैं उन सभी ने, उनके पास अगर अबेकस है तो अपना अबेकस वो ले लें, और मैं अपनी स्क्रीन पर भी अबेकस आपको उपलब्ध करवा रहा हूं ताकि जो साइटेड स्टूडेंट्स हैं और जो लो विजन स्टूडेंट्स हैं जो देख सकते हैं वो अपना देख कर भी अबेकस को हमारे साथ साथ चल सकते हैं। साथ ही मैं कोशिश करूंगा कि हर एक स्टेप को बारीकी से आपको बताता चलूं। चलिए अबेकस पर शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं अबेकस जो है हमारा, जब भी आप अपने हाथ में अबेकस लेके बैठते हैं तो ध्यान रहे पहली बात तो अबेकस आपने सीधा पकड़ा हुआ हो। सीधा पकड़ने से मेरा अभिप्राय कि जो माइनर अबेकस है या जो छोटे वाला पोर्शन है वो ऊपर की तरफ, और जो मेजर अबेकस है बड़े वाला पोर्शन है जिसको हम अर्थ और हेवन भी कहते हैं, इनको हम जो लोअर अबेकस अपर अबेकस भी कहते हैं, जो बड़े वाला पोर्शन है वो नीचे की तरफ और जो छोटा पोर्शन है वो ऊपर की तरफ होगा। इसके अलावा जब भी आप अबेकस में कोई संख्या लिखना शुरू करें तो ध्यान रहे कि उस वो जीरो की स्थिति में हो, मतलब डिवीजन बार जो आपकी है वहां पे किसी भी तरह का कोई बीड किसी भी लाइन का उससे सेट ना हो। तो जब भी हम अबेकस पर कोई बीड लगाते हैं या डिवीजन बार के पास उसको ले जाते हैं तो उसको बीड का सेट करना, और वहां से अगर हम रिमूव करते हैं उसे या वापस नीचे ले आते हैं तो उसको हम क्लियर करना कहते हैं। तो ये दो हम यूज करते हैं, सेट क्लियर। जब बीड हम उसमें लगाते हैं तो सेट सेट द बीड, और जब हम उसे हटाते हैं वहां से तो उसे क्लियर करना हम कहते हैं। तो बात करें अगर फ्रैक्शन की हम, तो अबेकस में
आपके राइट साइड से जो फर्स्ट बार है, सेकंड और थर्ड बार है, वो डिनोमिनेटर के लिए होती हैं, उसमें हमें डिनोमिनेटर लिखना होता है फ्रैक्शन का। उसके बाद फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ जो बार्स होती हैं वो न्यूमरेटर के लिए होती है। सेवेंथ, एट्थ और नाइन्थ बार जो होती है वो होल नंबर के लिए होती है। तो इस तरह से यहाँ पे हमने तीन पार्ट में इसको डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट राइट साइड से फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड फॉर डिनोमिनेटर, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ फॉर न्यूमरेटर, एंड सेवेंथ, एट्थ एंड नाइन्थ फॉर होल नंबर। इसके अलावा जो फोर हमारे पास रिमेनिंग बार्स हैं उनमें हम अपना जो ऑफ कैलकुलेशन होता है उसको करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले कि फ्रैक्शन को अबेकस पर लिखना कैसे है। तो लिखने की अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले मेरे पास टू अपॉन फोर, तो टू अपॉन फोर अर्थात दो बटा चार को अगर मुझे लिखना है तो जो दो है वो न्यूमरेटर है और बटा चार, चार जो है वो डिनोमिनेटर है। टू न्यूमरेटर है और अपॉन फोर की जब मैं बात कर रहा हूं तो फोर है डिनोमिनेटर। तो फोर तो डिनोमिनेटर है, तो राइट साइड से जो हमारी फर्स्ट बार है जिसे हम वंस बार भी कहते हैं वहां पे हम फोर सेट कर देंगे, और जो न्यूमरेटर की हमारी बार है फोर्थ उसमें हम टू सेट कर देते हैं, तो ये हमारा टू अपॉन फोर हो जाता है। इसी में अगर हमें कोई मिक्स्ड फ्रैक्शन लिखनी है जैसे थ्री टू अपॉन फोर, तो मिक्स्ड फ्रैक्शन के जो कॉलम है वो तो सेवेंथ, एट्थ और नाइन्थ। तो सेवेंथ कॉलम में हम लिखेंगे थ्री, फोर्थ कॉलम में आ गया हमारा टू, और फर्स्ट कॉलम में होगा फोर, तो बन जाएगा थ्री टू अपॉन फोर बन जाएगा। तो ये हमारी मिक्स्ड फ्रैक्शन होगी थ्री टू अपॉन फोर। तो ये तो हो गया मिक्स्ड फ्रैक्शन को कैसे लिखते हैं। इसके बाद जब भी बात करते हैं हम फ्रैक्शन में उसको ऐड करना या उसे सब्ट्रैक्ट करना होता है उसकी बात करते हैं, तो हम क्या करते हैं जो हमारे प्रोसीजर्स हैं, जो हम लोग जब हम कोई साइटेड बच्चा या साइटेड बच्चा कोई स्टूडेंट है वो फ्रैक्शन को अपने कॉपी पेन लेकर सॉल्व कर रहा है तो जो सारे स्टेप्स होते हैं लगभग वही फॉलो करते हैं, जिसमें सबसे पहले होता है कि आपको जो डिनोमिनेटर्स हैं उनका आपको एलसीएम लेना होता है। अब अगर आपको एलसीएम का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं है तो थोड़ा मुश्किल है कि आपके लिए फ्रैक्शन के जो सम्स हैं उनको सॉल्व करना। अब एलसीएम उम्मीद करता हूं मैक्सिमम लोग जानते होंगे, फिर भी मैं बता रहा हूं कि एलसीएम जो होता है मीन्स लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स। तो जो हमारे डिनोमिनेटर्स होते हैं चाहे वो दो हैं या दो से ज्यादा हैं, तो उनका जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है उनके अगर हम मल्टीपल फाइंड आउट करते हैं और उसमें से जो लोएस्ट होता है जो सबसे छोटा होता है वो सबका और जो कॉमन होता है वही एलसीएम होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। तो अगर हम जब भी कैलकुलेशन करने की बात करते हैं या फ्रैक्शंस को सॉल्व करने की बात करते हैं तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि जो फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर्स हैं उनका एलसीएम लेते हैं, और एलसीएम लेने के बाद फिर अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता रहता हूं कि आगे हम कैसे करेंगे। और एक फ्रैक्शन लेके मैं एग्जांपल स्टार्ट कर रहा हूं, थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ रहा है मुझे अबेकस स्क्रीन पे सही आ जाए। तो चलिए फर्स्ट मैं एक फ्रैक्शन लेता हूं जैसे 3 अपॉन 4 प्लस 5 अपॉन 6। फ्रैक्शन है 3 अपॉन 4 प्लस 5 अपॉन, सर आपका माइक म्यूट हो गया। बिजलाल सर आपका माइक म्यूट हो गया है। बिजलाल सर आप तक सर आवाज नहीं आ रही है। ब्रिजलाल सर, ब्रिजलाल सर आपका माइक म्यूट हो गया है। हेलो सर, माइक म्यूट हो गया था सर, प्लीज कहां कब जैसे म्यूट हुआ था जैसे आपने प्रारंभ किया सर, जैसे आपने प्रारंभ किया। ओहो सॉरी सर, सर अभी सुनाई दे रहा है सर? हाँ हाँ आवाज आपकी क्लियर है और स्पष्ट दिखाई दे रहा है अबेकस।
आप कंटिन्यू जी। ओके सर, एक्चुअली सर पता नहीं चल पाया। सर एडिशन से स्टार्ट करिए, जब भिन्न का जोड़ आप कर रहे थे वहां से स्टार्ट करिए, वहीं से म्यूट हुआ था। ओके सर, तो पुनः मैं शुरू करता हूं कि जो फ्रैक्शन होती है उसे जैसे मैंने बताया कि राइट साइड से फर्स्ट सेकंड थर्ड जो कॉलम होते हैं या बार होती है वो डिनोमिनेटर के लिए होती है, फोर्थ फिफ्थ और सिक्स बार जो है न्यूमरेटर के लिए होती है, और सेवन्थ एट्थ और नाइन्थ बार जो होती है वो अपने होल नंबर के लिए होती है। इसके अलावा जैसे जैसे हम सवाल करेंगे तो हम उसमें देखेंगे और कोशिश करेंगे सीखने की कि कितने आसानी से क्वेश्चन को हम अबेकस पर कर सकते हैं। तो मैं अबेकस लेके एक फ्रैक्शन को एग्जांपल के रूप में लेके शुरू कर रहा हूं और हर चीज को कोशिश करूंगा कि माइन्यूटली आपको बताऊं ताकि वो अच्छे से समझ आ सके। तो हमारे पास फ्रैक्शन है 3/4 + 5/6, 3/4 + 5/6। तो यहाँ पे हमने दो फ्रैक्शन है उनको प्लस करना है। प्लस करने के लिए सबसे पहला स्टेप जो हमारा होता है वो होता है डिनोमिनेटर्स का एलसीएम फाइंड आउट करना। तो एलसीएम जो होता है वो लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, तो इसलिए जो पहली फ्रैक्शन है हमारा उसका डिनोमिनेटर है 4 और सेकंड फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर है 6। तो 6 और 4 का अगर हम एलसीएम लेते हैं तो 12 होता है, क्योंकि 12 एक ऐसा नंबर है जिसे 4 और 6 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं या मल्टीपल्स देखते हैं 4 और 6 के, तो 12 सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल है जो 4 का भी मल्टीपल है और 6 का भी मल्टीपल है। तो फ्रैक्शन के क्वेश्चन करते समय सबसे पहले हमें एलसीएम लेना होता है। तो यहाँ पे हम 3/4 और 5/6 में एलसीएम जब लेते हैं 4 और 6 का तो हो जाता है 24। तो 24 जो एलसीएम है डिनोमिनेटर्स का, इसको हम एक्सट्रीम राइट में लिखते हैं। एक्सट्रीम राइट में आप अपने अबेकस पर 24 लिखिए, वंस में 4 और टेंस में आ जाएगा 2। इसके बाद जो हमारी फर्स्ट फ्रैक्शन थी वो है 3/4। 3/4 को हम एक्सट्रीम लेफ्ट में अबेकस के लिखते हैं 3, उसके बाद एक बार राइट साइड में छोड़ देते हैं और उसके बाद लिखते हैं 4। तो जो मैंने जैसे पहले बताया था अबेकस के बारे में बताते हुए कि जो एक्सट्रीम लेफ्ट साइड है वो हम जो हमारा एफ ऑफ कैलकुलेशन होगी उसको करने के लिए यूज करेंगे। तो यहाँ पे हमारे जो फ्रैक्शन है 3/4 उसको हमने एक्सट्रीम लेफ्ट में जाके लिखा है 3, उसके बाद एक बार छोड़ के हम लिखेंगे 4। तो अब नेक्स्ट स्टेप को जो क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप होता है कि आप जो 4 है उस जो डिनोमिनेटर है फ्रैक्शन का उससे एलसीएम जो डिनोमिनेटर्स का है उसको डिवाइड करेंगे। तो 4 से 24 सॉरी यहां पे जो एलसीएम था हमारा वो 12 था, मैंने 12 बताया था लेकिन लिखते हुए क्षमा चाहूंगा वो 24 लिख दिया था। 12 हमारा एलसीएम है और फ्रैक्शन हमारे पास लेफ्ट साइड में हमने लिखा है 3/4। तो सबसे जो पहला स्टेप था हमारा डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेना, और उसके बाद जो फर्स्ट फ्रैक्शन है 3/4, 4 से हमें एलसीएम 12 को डिवाइड करना है। तो 4 से जब हम 12 को डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो कोशेंट आएगा वो आएगा 3। तो 3 कोशेंट को उस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर से हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3 3 9 होता है, और 9 को जो न्यूमरेटर का कॉलम है राइट साइड से फोर्थ, वहां पे हम क्या लिखेंगे 9 सेट कर देंगे। हम न्यूमरेटर के कॉलम में हम क्या कर देंगे 9 सेट कर देंगे। अब हम जो फ्रैक्शन हमने लेफ्ट साइड में लिखी थी उसको हम क्लियर कर देते हैं और उसकी जगह पे वहां पे हम सेकंड फ्रैक्शन 5/6 लिखेंगे। तो एक्सट्रीम लेफ्ट में 5 आएगा, उसके राइट साइड में एक बार खाली छोड़ के उसके बाद लिखेंगे हम 6, तो हो जाएगा 5/6। अब सेम प्रोसीजर यहां भी हमें करना है कि डिनोमिनेटर से एलसीएम को डिवाइड करेंगे, 6 से 12 को डिवाइड करेंगे आ जाएगा क्वेश्चन 2, 2 से न्यूमरेटर है हमारे पास 5, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 5 10, 10 जो है हमारा इसको हम क्या करेंगे जो न्यूमरेटर हमारा पहले आया था उसमें हम ऐड कर देंगे। तो 10 में है 1, तो जो न्यूमरेटर की हमारी 10 की लाइन है उसमें मतलब फिफ्थ जो लाइन है वहां पे हम 1 सेट कर देंगे,
और फोर्थ लाइन जो न्यूमरेटर की फर्स्ट लाइन है वहां पे हम वन की लाइन है न्यूमरेटर की, उसमें हम जीरो प्लस कर देंगे। तो ये जो आप देख रहे हो कि हमारे पास न्यूमरेटर में 19 हो गया और डिनोमिनेटर हमारे पास जो एलसीएम के रूप में हमने लिया था वो है हमारे पास 12। और जो लेफ्ट साइड में हमने फ्रैक्शन लिखी है उसको हम क्या कर देंगे, क्लियर कर देंगे। तो ये हमारा जो हमने फर्स्ट फ्रैक्शन किया 3/4 + 5/6 उसका ये आंसर हो जाता है जो आता है 19/12। तो आप देख सकते हैं कि हमारा आंसर आ जाता है 19/12। तो यहां पर एक चीज हम और कर सकते हैं, अभी वैसे मैं मिक्स फ्रैक्शन आपको बताऊंगा, लेकिन फिर भी अगर इस तरह से जो आंसर है हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के रूप में आता है जहां पे न्यूमरेटर बिगर है डिनोमिनेटर के, तो वहां पे हम क्या कर सकते हैं, उसको न्यूमरेटर को हम डिवाइड करेंगे डिनोमिनेटर से और उसको हम क्या करेंगे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे। तो 12 से 19 को डिवाइड करना है तो 12 × 1 = 12। तो 1 जो क्वोशेंट आ रहा हमारा उसको हम होल नंबर के जो कॉलम्स हैं बार्स हैं वहां पे सेट कर देंगे, जो है 7th बार वहां पे हम 1 सेट कर देंगे। और 12 × 1 = 12, तो 19 में से 12 माइनस कर देंगे, 1 क्लियर किया 10s में से, और 9 जो 1s है वहां से हम 2 क्लियर कर देंगे। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 1/7/12। ये मिक्स फ्रैक्शन के रूप में हमारा आंसर आ जाता है 1/7/12। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। इसी के साथ में अब हम एक और एडिशन का ही क्वेश्चन लेते हैं और कोशिश करते हैं उसको प्लस करने की। सपोज कीजिए हमारे पास नेक्स्ट फ्रैक्शन है 4/6 + 7/9। 4/6 + 7/9 आप लोग इसको याद रख सकते हैं कि फ्रैक्शन क्या थी हमारे पास, क्योंकि अगर थोड़ा कुछ लंबे क्वेश्चन अगर हमें करने हो, बहुत लंबे लंबे कैलकुलेशंस हो, तो हमें कई बार अबेकस एक दूसरे अबेकस का भी सहारा लेना पड़ जाता है। तो इसलिए अभी सिंपल सिंपल क्वेश्चंस हम कर रहे हैं, तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी इसको याद रख सकेंगे। फ्रैक्शन है 4/6 + 7/9। 4/6 + 7/9, तो सबसे पहला जो हमारा स्टेप होता है वो होता है कि हम डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लें। तो डिनोमिनेटर्स है हमारे पास 6 और 9, तो 6 और 9 का अगर हम एलसीएम देखते हैं तो होता है 18। तो एक्सट्रीम राइट में हम 18 लिखेंगे, 5 का बीट ऊपर सेट करते हैं और नीचे से 3 बीट सेट कर देते हैं 1s में, और 10s में 1 लिखेंगे 18। और उसके अलावा ये हमारा एलसीएम हो जाता है दोनों डिनोमिनेटर्स का। अब हम जो फर्स्ट फ्रैक्शन है हमारी 4/6 उसको एक्सट्रीम लेफ्ट में जाके लिखेंगे 4, एक बीट छोड़ के 6, 4/6। फर्स्ट फ्रैक्शन हमने लेफ्ट साइड में लिखी है। अब इसका फर्स्ट फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर है 6 से डिवाइड करेंगे 18 को, 6 से डिवाइड करेंगे 18 को, तो हमारा क्वोशेंट आ जाएगा 3, और 3 से न्यूमरेटर को 4 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 3/4 = 12। तो 12 हम जो न्यूमरेटर के लिए जो बार्स हैं 4th, 5th और 4th में 2 आ जाएगा और 5th बार में 1 आएगा, 12 लिखा हमने। अब इसके बाद जो फ्रैक्शन है उसको हम क्या कर देंगे, क्लियर कर देंगे लेफ्ट साइड से, और वहां पे जो दूसरी फ्रैक्शन है हमारी उसको हम लिखेंगे जो है 7/9। 7 उसके राइट में एक लाइन छोड़ के आप 9 लिखेंगे, 9 सेट कर देंगे। अब 9 जो डिनोमिनेटर है सेकंड फ्रैक्शन का उससे डिवाइड करेंगे 18 को एलसीएम को तो आ जाएगा 2, और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर को, न्यूमरेटर हमारे पास 7 हो जाएगा, 2 × 7 = 14, और 14 जो है उसे न्यूमरेटर में हम क्या करेंगे ऐड कर देंगे, प्लस कर देंगे, तो 10s में 1 प्लस करेंगे और 1s में 4 प्लस करेंगे। 4 प्लस करने के लिए बीट्स हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो हम क्लियर सेट 5 एंड क्लियर 1, 5 सेट कर देंगे ऊपर से, और जो न्यूमरेटर की जो 1s की बार है उसमें ऊपर से 5 का बीट सेट कर देंगे और नीचे से 1 बीट क्लियर कर देंगे। तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब आंसर देख सकते हैं, आंसर है 26/18।
सर इसका एलसीएम 28 होगा। हेलो जी सर। सर कह रहा हूँ सर एलसीएम 28 होगा ना सर। सर इसमें 18 लिखा है ओनली। सर सुनाई नहीं दे पा रहा थोड़ा, आप साफ आवाज में बोलिए सर। हेलो सर मैं इसका एलसीएम 28 होना चाहिए ना सर। किसका सर? सर जो सवाल सॉल्व करा रहे हैं सर आप। 18 में 28 होना चाहिए सर, आपने 18 लिखा है। 18 होगा भाई ना, तो हेलो जी सर। हेलो सर आवाज नहीं आ रही। विकास सर क्या बताएंगे जरा, क्या कहना चाह रहे हैं? करुणानिधान बताए जा रहे प्रोसेस में बीच में डिस्टर्ब ना करो बेटा, बाद में पूछ लेना जो भी पूछना हो, ठीक है। सर जब स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं, सभी से निवेदन है बीच में डिस्टर्ब ना करें। चैट बॉक्स में कुछ लिखना है तो आप लिख लें प्लीज सर, कंटिन्यू सर। ओके सर। ओके तो ये जो हमने फ्रैक्शन की है इसका आंसर हमारे पास आता है 26 अपॉन 18। और उसको अब हम इसको क्या कर सकते हैं, थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो सिंप्लीफाई जब हम करेंगे तो 26 को और 18 को सिंप्लीफाई करने के लिए हमें क्या करना होता है, एक सेम डिजिट से दोनों को डिवाइड करना है, जिसे दोनों जो हमारे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड हो जाए। तो अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं 26 को तो हमारे पास आ जाएगा 13, और 2 से डिवाइड करते हैं हम 18 को तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 9। तो ये जो हमारा सिंप्लीफाई करने के बाद आंसर आ जाता है 13/9 इस फ्रैक्शन का, जो थी 4/6 + 7/9। इसका आंसर आता है 13/9। यहां पर भी ये हमारी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसलिए हम इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि 9 से डिवाइड करेंगे 13 को, और जो क्वेश्चन आएगा उसको हम होल नंबर का जो बार है हमारी वहां पे हम लिखेंगे। तो 9 1s are 9, सेवेंथ लाइन में हम 1 बीट सेट कर देंगे, और 13 में से 9 को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो 1s में हमारे पास यहाँ पे 3 है, 3 से 9 क्लियर करने के लिए 9 का जो रूल होता है होता है क्लियर 1 फ्रॉम द लेफ्ट साइड एंड सेट 1। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 1/4/9। ये आंसर आ जाएगा हमारे इस फ्रैक्शन का 1/4/9। तो ये तो बात हुई एडिशन की, कि फ्रैक्शन में एडिशन जो है अभिकस पे कैसे करना है। उसके बाद जब हम सबट्रैक्शन की बात करते हैं तो सबट्रैक्शन में भी सेम यही तरीका होता है, ऐसे ही करना होता है। बस वहां पे आपको क्या करना है, जैसे यहाँ पे हम एडिशन प्लस कर रहे हैं वहां पे हमें क्या करना है, माइनस करना है। तो चलिए शुरू करते हैं सबट्रैक्शन के कुछ एग्जांपल्स, जिसमें सबसे पहले एक फ्रैक्शन लेता हूं 3/4 - 2/5। 3/4 - 2/5 इसमें जब हम जो पहला स्टेप है, सबसे पहले हम एलसीएम लेंगे 4 और 5 का, जो डिनोमिनेटर्स हैं तो हो जाएगा 20, और उसको हम क्या करेंगे राइट साइड में जाके सेट कर देंगे 10s में 2 और 1s में 0। और अब जो हमारा अगला स्टेप होता है उसमें हम क्या करते हैं कि जो फर्स्ट फ्रैक्शन है उसको हम लेफ्ट साइड में जाके लिखते हैं, जो है 3/4। तो लेफ्ट में गए और एक्सट्रीम लेफ्ट में 3 लिखा है हमने, उसके राइट साइड में एक बार ब्लैंक छोड़ के उसके राइट साइड में 4 सेट कर देते हैं, 3/4 हमने एक्सट्रीम लेफ्ट में जाके लिखा है। अब हम जो हमने फ्रैक्शन लिखी है लेफ्ट साइड में, इसके डिनोमिनेटर से एलसीएम को डिवाइड करते हैं, तो 4 से डिवाइड करेंगे 20 को तो आ जाएगा 5, 4 5s are 20,
और 5 से न्यूमरेटर 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3 15, और जो न्यूमरेटर का कॉलम है फोर्थ उसमें आ जाएगा 15 का 1, और फिफ्थ कॉलम में आ जाएगा 15 का 5, और फिफ्थ कॉलम में आ जाएगा 1. तो हमने 15 सेट कर दिया है न्यूमरेटर कॉलम में फोर्थ और फिफ्थ में, जिसमें फोर्थ में हमने 5 लिखा है और फिफ्थ कॉलम में हमने 1 बिट सेट कर दिया है. अब इस फ्रैक्शन को हम क्या करेंगे, क्लियर कर देंगे, और जो सेकंड फ्रैक्शन है उसको अब हम लिखेंगे जो है 2 अपॉन 5. अब यहां पे 5 से डिवाइड करेंगे हम 20 को, 5 से डिवाइड किया 20 को आ जाएगा 4, और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर 2 को आ जाएगा 8, 4 2 जा 8, और 15 में हम 8 प्लस करेंगे तो 1, यहां पे हमारे पास 5 है उसमें 8 प्लस करना है, तो 8 प्लस करने के लिए 8 बिट्स नहीं है, गो टू द लेफ्ट साइड सेट 1, लेफ्ट साइड में 1 सेट कर देते हैं हम, और यहां 1s में से हम क्या करेंगे फिर 2 क्लियर कर देंगे, तो 2 क्लियर करने के लिए 2 बिट्स अवेलेबल नहीं है, क्लियर 5 एंड सेट 3. तो ये हमारा जो आंसर है, सॉरी माइनस करना था हमें यहां पे, सॉरी इसमें माइनस करना था, ये क्वेश्चन मैं दोबारा करवा देता हूं. तो ये हमें ध्यान रखना है कि हमें जो माइनस के क्वेश्चंस हैं उन्हें माइनस करना है और एडिशन के क्वेश्चंस में प्लस करना है. तो ये जो क्वेश्चन था हमारे पास, ये था 3/4 - 2/5, डिनोमिनेटर उसके हैं 4 और 5, तो हमारा एलसीएम आ जाएगा 20, और उसको अब हमने जो फर्स्ट फ्रैक्शन है 3/4 हम एक्सट्रीम लेफ्ट में लिखेंगे, 3 लिखा उसके राइट साइड में एक बार छोड़ के हम 4 लिखेंगे, और डिनोमिनेटर जो 4 है फर्स्ट फ्रैक्शन का उससे 20 को डिवाइड करेंगे आ जाएगा 5, 5 से न्यूमरेटर 3 को मल्टीप्लाई किया हो गया 15, तो 15 हम लिखेंगे फोर्थ में कॉलम में आ जाएगा 5, और फिफ्थ कॉलम में लिखेंगे 1, 15 हो गया. अब जो सेकंड फ्रैक्शन है, फर्स्ट फ्रैक्शन को क्लियर करके सेकंड फ्रैक्शन हम एक्सट्रीम लेफ्ट में लिखेंगे, वो है 2/5. इसका जो डिनोमिनेटर है 5 उससे हम डिवाइड करेंगे 20 को तो आ जाएगा 4, और 4 से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे 2 को तो हो जाएगा 8. अभी 8 को हमें माइनस करना है 15 के 1s में 5 है, 5 से माइनस करना है, तो माइनस करने के लिए 5 से 8 माइनस नहीं होगा, लेफ्ट साइड में जाओ 1 बिट क्लियर कर दो, और 1s में 2 सेट करना है, 2 सेट करने के लिए 2 बिट्स हमारे पास अवेलेबल है, तो हमने 2 बिट यहां पे सेट कर दिए, तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 7/20. तो अब हम इस फ्रैक्शन को लेफ्ट साइड से क्लियर कर सकते हैं, हमारा जो आंसर आ चुका है वो आ गया 7/20. तो ये हमारा फ्रैक्शन का, इसका सबट्रैक्शन का एक क्वेश्चन हो गया, और इसी के साथ में एक और क्वेश्चन अगर हम सबट्रैक्शन का करते हैं, तो एक फ्रैक्शन लेते हैं 5/3 - 2/5, 5/3 - 2/5, तो जो डिनोमिनेटर्स हैं वो हैं 3 और 5, 3 और 5 का जो एलसीएम आता है वो है 15, तो हम एक्सट्रीम लेफ्ट में जाके 15 लिख देंगे, एलसीएम हम राइट में जाके हम 15 लिख देते हैं, 1s में आ जाएगा 5 और 10s में आ जाएगा 1. और अब जो फर्स्ट फ्रैक्शन है 5/3 वो हम लेफ्ट साइड में जाके लिखते हैं, एक्सट्रीम लेफ्ट में आ जाएगा 3, उसके राइट में एक बार ब्लैंक छोड़ के हम लिखेंगे 5/3 है, तो एक्सट्रीम लेफ्ट लेफ्ट में आ जाएगा 5 और एक बार छोड़ के आ जाएगा 3, 5/3. अब जो फ्रैक्शन है हमारे पास 5/3, इसके 3 से हम एलसीएम 15 को डिवाइड करेंगे, 3 से एलसीएम 15 को डिवाइड किया गया 5, और 5 से न्यूमरेटर 5 है, 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे आ जाएगा 25, और उसको हम जो न्यूमरेटर की लाइंस हैं उनमें हम लिखेंगे 25, जिसमें फोर्थ लाइन में आ गया आपके राइट साइड से 5, और फिफ्थ लाइन में आ जाएगा 2. अब फर्स्ट जो फ्रैक्शन हमने लिखी है उसको हम क्लियर कर देंगे, और
सेकंड फ्रैक्शन लिखेंगे 2/5, 2/5। अब डिनोमिनेटर 5 से एलसीएम को डिवाइड किया 15 को, तो आ जाएगा 3, और न्यूमरेटर को उससे क्या करेंगे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आ जाएगा 3 2 6, और 25 में से 6 को हम माइनस कर देंगे, 5 में से 6 माइनस नहीं होगा। गो टू द लेफ्ट साइड, क्लियर वन, लेफ्ट साइड से अगर हम क्लियर वन कर देते हैं तो और जो 5 वाली लाइन है 1 से उसमें हम 4 सेट कर देंगे, और ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब हम जो फ्रैक्शन हमने लेफ्ट साइड में लिखी है उसे हम क्लियर कर देंगे, तो और क्वेश्चन का जो आंसर है वो आ जाएगा 19/15, 19/15। और अगर हम इसे होल नंबर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 15 से डिवाइड करेंगे 19 को, हमारे पास क्वेश्चन आ जाएगा 1, जिसे हम होल नंबर की जो फर्स्ट लाइन है उसमें लिखेंगे 1, और 15 1 जार 15, 19 में से 15 हम क्लियर कर देंगे, तो 1 4/15 इसका आंसर आ जाएगा। तो ये तो हो गया आपका सब्ट्रैक्शन का एक और क्वेश्चन। दो क्वेश्चन हमने अभी सब्ट्रैक्शन के किए हैं और दो ही क्वेश्चन हमने एडिशन के किए हैं। इसके बाद जब हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करते हैं तो उसमें जैसे आप जानते हैं कि जो सब्ट्रैक्शन है उसमें जो फ्रैक्शंस होती हैं इनका मल्टीप्लिकेशन काफी इजी होता है। हमें क्या करना होता है कि न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं हम, और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। उसके अलावा हम ध्यान रखते हैं कि अगर वो उसमें कुछ सिंप्लीफिकेशन हो सकता है तो उसको सिंप्लीफाई करके हमारा आंसर आ जाता है। तो अब इसके मल्टीप्लाई के कुछ समझ ले लेते हैं। तो मैं फ्रैक्शन लेता हूं, सबसे पहले ध्यान रहे कि आपका अभिकस 0 की पोजीशन में हो। मल्टीप्लाई का एक क्वेश्चन मैं ले रहा हूं, 4/5 × 6/7, 4/5 × 6/7। तो लिखने के लिए जब हम मल्टीप्लिकेशन के फ्रैक्शन जो है अभिकस पर लिखते हैं तो जो राइट साइड है वहां हम डिनोमिनेटर्स लिखते हैं और लेफ्ट साइड में हम न्यूमरेटर लिखते हैं। तो जो डिनोमिनेटर है हमारे पास वो है 4/5 में 5 और 6/7 में 7। तो फर्स्ट फ्रैक्शन की अगर हम बात करूं तो न्यूमरेटर एक्सट्रीम लेफ्ट में लिखूंगा 4, और डिनोमिनेटर है 5 हमारे पास, तो एक्सट्रीम राइट में जाके मैं इसको सेट कर देता हूं 5। जो न्यूमरेटर था उसको मैंने एक्सट्रीम लेफ्ट में सेट किया है और डिनोमिनेटर को एक्सट्रीम राइट में सेट किया है। अब इसके बाद जो सेकेंड फ्रैक्शन है उसका न्यूमरेटर है 6, तो उसे मैं लेफ्ट साइड में एक्सट्रीम लेफ्ट में जो हमने पहली वाली फ्रैक्शन का न्यूमरेटर लिखा था उसके राइट में एक लाइन छोड़ के हम 6 लिख देंगे, और डिनोमिनेटर हमने फर्स्ट फ्रैक्शन का एक्सट्रीम राइट में लिखा था उसके लेफ्ट में हम एक लाइन छोड़ के उसका डिनोमिनेटर लिख देते हैं, वो सेकंड डिनोमिनेटर लिख देते हैं, वो है 7। अब पहले हमें ये देखना है कि क्या इनमें से कोई ऐसे डिजिट्स हैं जिनको जो एक दूसरे से डिवाइड होते हो क्रॉस में डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से या न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे ऐसा हमारे पास ऐसा कोई इसमें डिजिट नहीं है जिसको हम एक दूसरे से डिवाइड कर सकें। तो हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई किया 4 6 24, तो एक्सट्रीम लेफ्ट में हम 24 लिख देंगे, 24 सेट कर देंगे, और राइट में डिनोमिनेटर हमारे पास 7 है और 5 है, 7 5 जार 35, तो यहाँ पे हम 35 सेट कर देते हैं, तो हमारा जो आंसर है वो 24/35 आ जाएगा, 24/35। इसके अलावा एक और हम क्वेश्चन ले लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, इसको क्लियर कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 3/5 × 7/6, 3/5 × 7/6।
जो फर्स्ट फ्रैक्शन है उसमें डिनोमिनेटर है 5, राइट साइड में हम 5 लिख देंगे, और न्यूमरेटर है 3, तो लेफ्ट साइड में जाके हम 3 लिख देंगे। इसके अलावा जो सेकंड फ्रैक्शन है उसमें न्यूमरेटर है 7, तो लेफ्ट साइड में ही 3 के राइट में 1 बार ब्लैंक छोड़ के हम 7 लिख देंगे, और डिनोमिनेटर वाली साइड में हम क्या लिख देंगे, 6 लिख देंगे, 5 के लेफ्ट में एक बार छोड़ के 6 लिख देंगे। अब यहां पर हमें ये चेक करना है कि क्या किसी कोई डिजिट डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर को किसी को हम डिवाइड कर सकते हैं, या किसी का भाग जो है वो दूसरे डिजिट में जाता है। तो यहां हम देखते हैं कि न्यूमरेटर 3 और डिनोमिनेटर हमारे पास 6 है, इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, भाग कर सकते हैं। तो 3 1 3, 3 2 6, तो 3 जहां पे हमने 3 लिखा था वहां पे हम 1 सेट कर देंगे, और जहां पे 6 हमने 6 था हमारे पास वहां पे हम 2 सेट कर देंगे, तो हमारा ये हो जाएगा 3 2 6। अब हमारे पास न्यूमरेटर है 1 और 7, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 7 और 7, और डिनोमिनेटर में 2 एंड 5, 2 5 10। तो राइट साइड में डिनोमिनेटर वाले जो कॉलम्स हैं वहां पे हम 10 लिखेंगे, और लेफ्ट साइड में हम 7। लेफ्ट साइड में हम 7 लिख देंगे, ये हमारा आंसर आ गया 7/10। जो क्वेश्चन सम हमने लिया था उसका आंसर हमारे पास आ जाता है 7/10। इसके बाद अगर हम बात करें डिवीजन की, तो डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन लगभग सेम होते हैं फ्रैक्शंस में, क्योंकि जो डिवीजन होता है, डिवीजन में हमें क्या करना होता है कि एक जो फ्रैक्शन है, मोस्टली जो सेकंड फ्रैक्शन होती है, डिवाइजर फ्रैक्शन होती है, उसको हम इन्वर्ट कर देते हैं। इन्वर्ट करने का मतलब उसका जो डिनोमिनेटर है उसको हम न्यूमिनेटर बनाते हैं, और न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर बना देते हैं। तो जहां हमें डिवाइड करना था फिर उसको हम डिवाइड ना करके मल्टीप्लाई करते हैं। तो एक दो फ्रैक्शंस उसके भी ले लेते हैं, उसमें लेते हैं पहले 4/5 डिवाइडेड बाई 3/4। तो 4/5 डिवाइडेड बाई 3/4 में सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो सेकंड फ्रैक्शन है उसको इन्वर्ट कर देंगे, वो हो जाएगी 4/3। 3/4 है तो क्या हो जाएगी, वो 4/3 हो जाएगी। तो क्वेश्चन बन जाएगा 4/5 इंटू या मल्टीप्लाई 4/3, 4/5 मल्टीप्लाई 4/3। तो जो पहली फ्रैक्शन है 4/5 लिखने के लिए हम एक्सट्रीम लेफ्ट में 4 लिखेंगे, और एक्सट्रीम राइट में आके, एक्सट्रीम राइट में आके हम 5 लिख देंगे। उसके साथ ही जो सेकंड फ्रैक्शन है हमारी इन्वर्ट करने के बाद है हमारे पास 4/3, तो लेफ्ट साइड में ही 4 के राइट में एक बार छोड़ के हम 4 सेट कर देंगे, और जो डिनोमिनेटर वाली साइड है वहां पे हम 5 के लेफ्ट में एक बार छोड़ के 3 सेट कर देंगे। तो हमारे न्यूमरेटर हो गए 4 और 4 हैं, और डिनोमिनेटर 5 और 3 है हमारे पास। तो हम इनको इनमें क्रॉस करके, या डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में कोई ऐसा डिजिट नहीं है जिससे हम एक दूसरे को डिवाइड कर सकें, इसलिए अब हम क्या करेंगे, इसको सीधा मल्टीप्लाई करेंगे। 4 4 16। तो एक्सट्रीम लेफ्ट में जो हमारे पास न्यूमरेटर्स हैं 4 और 4, उसका प्रोडक्ट आ जाएगा 16, और एक्सट्रीम राइट में हमारे पास डिजिट्स हैं 3 एंड 5, 3 5 15, तो वहां पे हम 15 लिख देंगे, और ये हमारा आंसर आ जाएगा 16/15, 16/15। तो ये फ्रैक्शन में डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन के सम्स हमने किए। इसके अलावा हम थोड़ी सी बात करना चाहूंगा कि जो मिक्स्ड एडिशन और सब्ट्रैक्शन हम कैसे करना है, कुछ थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन या एक क्वेश्चन कम से कम उसका कर लेते हैं कि किस तरह से हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन में एडिशन करना है। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन का हम एक एग्जांपल लेने जा रहे हैं। सबसे पहले अबेकस अपना क्लियर कर दीजिए, उसके बाद मिक्स्ड फ्रैक्शन हम लेते हैं
फोर टू अपॉन थ्री, फोर टू अपॉन थ्री और फाइव टू अपॉन फाइव, ये हमारी फ्रैक्शन है, फोर टू अपॉन थ्री और फाइव थ्री अपॉन फाइव। अब यहां पे एलसीएम लेने से भी पहले हमें एक काम करना है कि जो होल नंबर है उनको हम डायरेक्ट ऐड कर देंगे, जो फर्स्ट मिक्स फ्रैक्शन में है फोर और सेकंड मिक्स फ्रैक्शन में है फाइव, तो फोर और फाइव को हमने प्लस किया आ गया नाइन, और ये नाइन को हम जो होल नंबर के डिजिट्स, होल नंबर की बार्स हैं जिसमें सेवेंथ एट्थ और नाइन्थ है, तो सेवेंथ बार में हम क्या करेंगे नाइन सेट कर देंगे। सेवेंथ में हमने नाइन सेट कर दिया। अब हम जो फ्रैक्शन है हमारे पास टू अपॉन थ्री और थ्री अपॉन फाइव रह जाती है, अब इनमें जो डिनोमिनेटर्स हैं थ्री और फाइव, हम उसका एलसीएम लेंगे। थ्री और फाइव का एलसीएम हो जाएगा 15, 15 हम एक्सट्रीम राइट में लिखेंगे। एक्सट्रीम राइट में आके हमने क्या किया, एलसीएम जो था थ्री और फाइव का 15 लिख दिया। अब इसके बाद लेफ्ट साइड में जाके हम क्या करेंगे, जो पहली फ्रैक्शन है हमारे पास टू अपॉन थ्री को सेट कर देंगे, टू उसके राइट में एक बार ब्लैंक छोड़ के थ्री लिख देंगे, टू अपॉन थ्री। अब जो डिनोमिनेटर है थ्री, उससे हम एलसीएम को डिवाइड करेंगे, जो है 15, 15 को थ्री से डिवाइड किया आ गया फाइव, और फाइव से न्यूमरेटर टू को हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, फाइव टू जार 10 हो जाएगा, और 10 कहां लिखेंगे हम, जो न्यूमरेटर की लाइन है हमारे पास फोर्थ, जो राइट साइड से जो फोर्थ बार है उसमें आ जाएगा जीरो और फिफ्थ बार में आ जाएगा वन, तो हमारा 10 हो जाएगा। अब जो हमने फ्रैक्शन लिखी है एक्सट्रीम लेफ्ट में उसको हम क्या कर देंगे क्लियर कर देंगे, फ्रैक्शन को क्लियर कर दिया। उसके बाद जो सेकंड फ्रैक्शन है हमारे पास, सेकंड फ्रैक्शन है हमारे पास थ्री अपॉन फाइव, उसको हम एक्सट्रीम लेफ्ट में जाके सेट कर देंगे, लेफ्ट में आएगा थ्री, उसके राइट में एक बार छोड़ के आप फाइव सेट कर सकते हो, कर देंगे। और जो फाइव है उससे जो एलसीएम को हम डिवाइड करेंगे, एलसीएम में 15, 5 से 15 को डिवाइड किया आ जाएगा 3, 3 से न्यूमरेटर 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 जार 9, तो ये जो 9 है ये हम जहां हमने 10 लिखा था उस 10 में इस 9 को हम क्या कर देंगे प्लस कर देंगे, तो वंस में वहां पे 0 है हमारे पास और हमें 9 प्लस करना है वंस में, तो क्या करेंगे 9 बिट सेट कर देंगे। और हमारा जो इसके बाद जो फ्रैक्शन हमने लेफ्ट साइड में लिखी है उसको हम क्लियर कर देंगे, और हमारा जो आंसर है वो 9 19 अपॉन 15 आ जाएगा इस फ्रैक्शन का आंसर। तो ये मिक्स फ्रैक्शन है, एक सम इसका और ले लेते हैं, लेते हैं 2 4 अपॉन फाइव प्लस 3 4 अपॉन 6। अगला एक फ्रैक्शन हमने लिया है 2 4 अपॉन 5 प्लस 3 4 अपॉन 6। तो सबसे पहले जो इसके होल नंबर्स हैं 2 और 3, उनको क्या करेंगे हम प्लस कर देंगे, तो हो जाएगा 2 और 3 हो जाएगा 5। होल नंबर की जो लाइन है वहां पे हम क्या लिखेंगे 5 लिख देंगे, जो राइट साइड से सेवेंथ लाइन है वहां पे हमने क्या किया 5 सेट कर दिया। अब अगला जो हमारा स्टेप है वो है एलसीएम का, हमें एलसीएम लेना है 5 और 6 का, तो 5 और 6 का जो एलसीएम होता है वो होता है 30। हम एक्सट्रीम राइट में आके हम क्या करेंगे 30 सेट कर देंगे, वंस में आ जाएगा 0 और टेंस में आ जाएगा 3। अब जो अगला स्टेप हमारा रहता है वो होता है फर्स्ट फ्रैक्शन को हम क्या करते हैं लेफ्ट साइड में लिखते हैं, जो होल नंबर को हमने ऐड कर लिया है तो हमारे पास केवल फ्रैक्शन बचती है वो है 4 अपॉन 5, तो एक्सट्रीम लेफ्ट में जाके हमने 4 अपॉन 5 लिखा है। अब 5 से डिनोमिनेटर को हम डिवाइड करेंगे 30 को, तो आ जाएगा 6, 6 से न्यूमरेटर 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आज हो जाएगा 24, 6 4 24, और 24 हम लिखेंगे न्यूमरेटर वाली बाद में, इसमें 4 और लेफ्ट साइड में आ जाएगा 2, फोर्थ लाइन में आ जाएगा 4 राइट साइड से
और फिफ्थ लाइन में आ जाएगा टू। अब जो फ्रैक्शन हमने लेफ्ट साइड में लिखी है उसको हम क्या करेंगे, क्लियर कर देंगे। क्लियर करने के बाद अब जो सेकंड फ्रैक्शन है 4/6 उसको हम यहां पे लिखेंगे, 4/6 लिखेंगे। 4/6 का जो डिनोमिनेटर है 6, उससे डिवाइड करेंगे 30 को, आ जाएगा 5, और 5 से न्यूमरेटर 4 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 5 4 20, और 20 को हम क्या करना है, जो न्यूमरेटर की लाइंस में हमने 24 लिखा है उसमें 20 को प्लस करना है, तो टेंस में 2 है, 2 में 2 बीट सेट कर देंगे और वंस में 0। तो और अब जो फ्रैक्शन हमने एक्सट्रीम लेफ्ट में लिखी है 4/6 उसको हम क्या कर देंगे, क्लियर कर देंगे, और जो हमारा आंसर है जो फ्रैक्शन है वो आ रही है 44/30। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 2 से डिवाइड करेंगे 44 को, 2 2 4 2 2 4 22 आ जाएगा, और 30 को अगर हम 2 से डिवाइड करते थे तो 2 1 2 10 2 5 10, तो हमारे पास ये आ जाएगा हमारा आंसर 5 22/15, हमारा ये जो सेकंड फ्रैक्शन है इसका आंसर आ जाता है। तो ये था हमारा जो आज का मेरा मुख्य उद्देश्य था कि ये सब चीज एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन हम अभिकस में किस तरह से करते हैं थोड़ा आप लोगों को बताऊं, और कोशिश की है बताने की कि एक एक स्टेप बताने की कोशिश की है कि किस तरह से इसको किया जा सकता है। इसके अलावा अभ्यकस में जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छे से कर पाएंगे, क्यों, क्योंकि इसमें आपको हर स्टेप को अपने माइंड में लेके चलना होता है, क्योंकि हर अगला स्टेप करने के बाद जो लास्ट स्टेप है वो ऑटोमेटिकली इरेज हो जाता है। तो इसलिए आप प्रैक्टिस करें, कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करें, और वही मैं प्रयास कर रहा था कि आप कम से कम कॉन्सेप्ट को समझें, और उसके बाद जो भी जितना भी आप प्रैक्टिस करोगे उसको समझने की उतना अच्छे से अभ्यकस पे सॉल्व कर पाओगे। यदि माइंड में कुछ कंफ्यूजन है, आपका माइंड मान लीजिए कोई कहीं और चल रहा है, या आप अच्छे से ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, तो आप अभ्यकस में कोई भी क्वेश्चन को या कोई सम को सॉल्व करने में समर्थ नहीं हो पाओगे, क्योंकि आपका अटेंशन पूरा अभ्यकस पे होना चाहिए। इसके अलावा होता क्या है कि जैसे साइटेड व्यक्ति को बैठ के कोई क्वेश्चन कर रहा है, सम कर रहा है, या टेलीफ्रेम पे हम लोग कोई सवाल कर रहे हैं, तो उसमें सारे स्टेप्स हमें पता होते हैं कि कौन सा स्टेप कहाँ से कहाँ जा रहा है और कौन से स्टेप में हमने क्या किया है। लेकिन इसमें अगर हमें चाहें कि 3 स्टेप करने के बाद फर्स्ट स्टेप क्या था उसको देखना कि वो मैंने कैसे किया था, तो वो ऐसा संभव नहीं हो पाता, और थोड़ी सी भूल के कारण हमें पूरा जो सवाल है, पूरा जो प्रश्न है, वो शुरू से करना पड़ता है। तो मैं अपनी तरफ से जो मैं करा सकता था इसमें वो मैंने कोशिश की है करवाने की। तो अब नागेश पांडे सर से निवेदन करूंगा कि सर आप आगे क्वेश्चन आंसर सेशन हो या जो भी हो आगे का बताएं। तो ओवर टू यू नागेश सर। जी जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत बेहतरीन तरीके से बच्चों को स्टेप बाय स्टेप बताया। यह बात सत्य है कि कुछ बच्चों का अभ्यास COVID-19 के कारण अभ्यास छूटा है, जिसके कारण मैं देख रहा हूँ चैट बॉक्स में कई कई प्रक्रियाओं पर उनके दोहराने की एक प्रवृत्ति आई है कि इसको फिर से बता दीजिए, ऐसे कर दीजिए। एक प्रियंका जैन जी का और एक और बेटे का सर इसमें एक प्रश्न है। प्रश्न क्या है, वो दोहराने की बात ही है कि पॉइंट में कैसे करेंगे, जरा वो बता दीजिए। आपका माइक अनम्यूट हो गया है सर। सर आपका माइक अनम्यूट हो गया, म्यूट हुआ है, अनम्यूट कर लें जी। पॉइंट की जब हम बात करते हैं अभ्यकस पर, तो जब अभ्यकस आप देखते हैं तो अभ्यकस सबसे नीचे की जो बार है उसमें हर 3 लाइंस के बाद 3 बार्स के बाद डॉट्स बने हुए हैं, वो डॉट्स जो है आपके पॉइंट को डिनोट करते हैं। जब भी आप पॉइंट के क्वेश्चन करें, चाहे वो एडिशन का हो सब्ट्रैक्शन का हो, तो आपको जो जैसे मुझे अभ्यकस पर अगर 24.75 लिखना है, तो मैं 24.75 लिखने के लिए मैं शुरू करूंगा फिफ्थ लाइन से, फिफ्थ लाइन में सेट करूंगा 2, फोर्थ लाइन में सेट करूंगा 4, और उसके बाद आप देखोगे कि थर्ड और फोर्थ लाइन के बीच में नीचे जो आपकी बार है नीचे अभ्यकस की प्लास्टिक की, उसमें एक डॉट उभरा हुआ है जिसका
जो डिनोट करता है पॉइंट को, तो उसका मतलब हो जाएगा पॉइंट 24.75। अगर मैं लिखना चाहता हूं तो उसके राइट साइड में मैं लिखूंगा 7, सेट करूंगा दो बीट नीचे से और एक बीट अपर अबेकस से, और उसके राइट साइड वाली बार में ऊपर से मैं 5 सेट कर दूंगा, तो 24.75 हो जाएगा। तो इस तरह से अबेकस पर हम पॉइंट्स के क्वेश्चन को लिखते हैं, और जब सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने का भी वही तरीका है कि पॉइंट्स के जो लेफ्ट साइड में 1 stands 100 जो होल नंबर है उसको आपने उसी तरह से बड़े यूनिट की तरफ से चल के छोटे यूनिट की तरफ आना है ऐड करते हुए, और फिर जो पॉइंट के राइट साइड वाले जो डिजिट्स हैं हमारे उनको भी उसी तरह से आपको सॉल्व करना है। जो सबसे नीचे की जो लाइंस हैं ये केवल डॉट्स जो हैं ये इसीलिए बने हुए हैं कि आपको अगर डेसिमल के सम्स करने हो तो उनको किस तरह से इसमें सॉल्व किया जा सकता है। पूरा आशा है कि बच्चों को इस संदर्भ में यह बात पता चल गई होगी। सर एक क्वेश्चन और आया था कि मल्टीप्लिकेशन का एक बार और छोटा सा एक उदाहरण प्रस्तुत कर दें मल्टीप्लिकेशन का। माइक अनम्यूट कर लें सर, माइक अनम्यूट कर लें माइक। हाँ सर जी, हम फ्रैक्शन के लिए, फ्रैक्शन में मल्टीप्लिकेशन के लिए दो फ्रैक्शन ले लेते हैं। जैसे हमारे पास सपोज कीजिए 3/5, 3/5 into 6/8। तो दो फ्रैक्शन हमने ले लिए 3/5 into 6/8। इसे करने के लिए जैसा मैंने पहले बताया कि राइट साइड का जो अभिकस है वहां पे हम डिनोमिनेटर्स लिखते हैं। डिनोमिनेटर तो 3/5 है हमारे पास, उसमें डिनोमिनेटर है 5, हमारे पास तो पहली फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर है वो हम एक्सट्रीम राइट में लिखेंगे 5। अबेकस के एक्सट्रीम राइट में मैंने 5 सेट किया है, और एक्सट्रीम लेफ्ट में हम न्यूमरेटर लिखेंगे, तो इसलिए एक्सट्रीम लेफ्ट जो अबेकस का है फर्स्ट बार लेफ्ट साइड से वहां पे मैंने 3 सेट कर दिया है। अब इसके बाद जो सेकंड फ्रैक्शन है हमारे वो है 6/8। राइट साइड में जहां मैंने 5 लिखा है उसके लेफ्ट में एक बार ब्लैंक छोड़ के मैं जो सेकंड फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर है 8 वो लिख दूंगा, और लेफ्ट साइड में जहां हमने न्यूमरेटर 3 लिखा है पहली फ्रैक्शन का उसके राइट में एक बार छोड़ के मैं जो उसका न्यूमरेटर है सेकंड फ्रैक्शन का वो है 6 वो लिख दूंगा। तो ये हमने लिख लिए हैं दोनों न्यूमरेटर लेफ्ट साइड में और दोनों डिनोमिनेटर राइट साइड में। अब होता क्या है कि हम लोग सिंप्लीफाई करना, मैं इसलिए यहां पे बता रहा हूं कि हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। पहले सिंप्लीफाई हम इसको आंसर निकालने के बाद भी कर सकते हैं, किंतु होता क्या है कि अगर हम यहां पे इसे सिंप्लीफाई कर देते हैं तो हमारी जो कैलकुलेशन है वो इजी हो जाती है, शॉर्ट हो जाती है। और मैं अगर यहां पे इसको फर्स्ट स्टेप में हम इसको सिंप्लीफाई नहीं करते हैं तो फिर इसकी जो कैलकुलेशन है वो थोड़ी बड़ी हो जाती है, थोड़ी मुश्किल हो जाती है। तो इसलिए यहाँ पे हम अब ये देखने की कोशिश करते हैं कि क्या न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई ऐसा डिजिट है जो एक दूसरे को और जिससे एक दूसरे को हम डिवाइड कर सकते हैं, या कोई सेम नंबर से सेम डिजिट से क्या वो दोनों डिजिट डिवाइड हो सकते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि न्यूमरेटर में हमारे पास 3 और 6 है, डिनोमिनेटर में हमारे पास 5 और 8 है, तो 6 और 8 को यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं 2 से सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 2 से दोनों को डिवाइड कर सकते हैं। तो जो 6 है हमारा 6 को हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 6, जहां 6 था वहां पे हम 3 सेट कर देंगे, और जहां पे 8 है हमारा 2 4 8 तो वहां पे हम 4 सेट कर देंगे। तो हमारी जो फ्रैक्शन है वो थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाती है, आसान हो जाती है। अब हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर हमारे पास 3 और 3 है, 3 3 हो गए 9, लेफ्ट साइड में जो एक्सट्रीम लेफ्ट है वहां पे हम 9 लिख देंगे, और एक्सट्रीम राइट में हमारे पास जो डिनोमिनेटर्स हैं वो है 4 और 5, तो 4 5 20, तो एक्सट्रीम राइट में हम 2 0 20 मतलब टेंस बीट में टेंस जो कॉलम है हमारा वहां पे 2 सेट कर देंगे, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 9/20 9/20। तो इस तरह से आप अगर प्रैक्टिस करते रहेंगे तो मुश्किल नहीं है, फिर भी कॉन्सेप्ट कम से कम आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से करना है। जी सर।
बहुत बहुत धन्यवाद सर, आज आपने उन बिंदुओं पर अपनी विशेषज्ञता दी जिन बिंदुओं पर छात्रों को एक विशेष क्लास की आवश्यकता थी। निश्चित तौर पर आज हमारे सभी छात्र बहुत बहुत लाभान्वित हुए हैं, जैसा फीडबैक में दिखाई दे रहा है, और जिस तरीके से आपकी क्लास का वर्णन होता है उसी तरीके से एक उत्कृष्टतम क्लास आज आपने यहाँ उपस्थित की है। अपनी बताने की प्रक्रिया को बहुत बेहतरीन और सरल ढंग से यहाँ पे रखा है। अब मैं आज की इस क्लास के धन्यवाद ज्ञापन हेतु अपने प्यारे भाई विकास मिश्रा सर, ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी इंस्ट्रक्टर CRC को आमंत्रित करता हूँ कि वे आए और सरकार धन्यवाद ज्ञापन करें, तथा सभी छात्रों को बता दूं कि श्री विकास मिश्रा सर के ही प्रयासों से ब्रिजलाल सर को इस पटल तक लाया गया है, उन्हीं के द्वारा निवेदन पहुंचाया गया है ब्रिजलाल सर तक, और इस निवेदन को ब्रिजलाल सर द्वारा स्वीकार किया गया है। तो ऐसे कार्यक्रम संयोजक और ऐसे विद्वत जन के धन्यवाद ज्ञापन के लिए परिश्रमी विकास मिश्रा सर को मैं आमंत्रित करता हूं। विकास मिश्रा सर, आज की वेब संगोष्ठी में जुड़े सभी प्रतिभागियों को, चाहे वो स्पेशल एजुकेटर हों, चाहे वो हमारे कलीग्स हों, हमारे साथी हों, चाहे वो छात्र हों, सभी प्रतिभागियों को आज की इस वेब संगोष्ठी में उपस्थित होने के लिए मैं उनका हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और साथ में आज फिर से मुझे एक बार मौका मिला है हमारे मित्र, हमारे भाई श्री ब्रिजलाल सर का स्वागत कर धन्यवाद करने का। ब्रिजलाल सर के बारे में बताना चाहूँगा कि ब्रिजलाल सर इस फील्ड में पिछले 10 वर्षों से भी अधिक समय से इस कार्य क्षेत्र में जुड़े हुए हैं, और आपके द्वारा जो हमारे दृष्टि दिव्यांग बच्चे हैं उनको उत्कृष्ट मार्गदर्शन और उत्कृष्ट शिक्षा दी जा रही है। ब्रिजलाल सर को जब भी, ब्रिजलाल सर से जब भी बात करते हैं, पूरी तरीके से एनर्जी से, ऊर्जा से भरे रहते हैं। उसके पीछे का कारण है कि आप एक राष्ट्रीय एथलीट भी हैं, और हम सभी के बीच में आज सर ने जिस ऊर्जा के साथ और जिस बिल्कुल सधे हुए ढंग से आज का जो लेक्चर था, आज का जो व्याख्यान था, आज का जो विषय था, उस विषय पर अपनी योग्यता हम लोगों के समक्ष प्रस्तुत की, और अवश्य ही सर के दिए हुए ज्ञान से हम सभी को बहुत कुछ सीखने का अवसर प्राप्त हुआ है। हम सभी जानते हैं कि कुछ हमारा जो स्पेशल एजुकेशन का जो क्षेत्र है उसमें कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं प्रैक्टिकल के, जिस प्रैक्टिकल को जहाँ तक उसको सिखाना चाहिए उसको अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट में, अच्छे अच्छे केंद्रों पे नहीं सिखाया जाता है। जैसे कि आज जो फ्रैक्शन और नेक्स्ट टाइम में जो हम स्क्वायर रूट की बात करेंगे वो बहुत सारे सेंटर पे नहीं सिखाया जाता है। वो इसलिए क्योंकि उस विषय के जो विशेषज्ञ हैं वो हमें नहीं मिलते हैं। तो आज बहुत ही अच्छा लगा कि सर ने अपनी विशेषज्ञता से हम सभी को कुछ सीखने का मौका दिया है। और ब्रिजलाल सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपने व्यस्ततम समय में से आज ये समय निकाला। आगे भी हम आपसे यही अपेक्षा करेंगे, जो फॉर्मेलिटीज हैं उन फॉर्मेलिटीज को करते हुए हम आपसे यही आशा करेंगे कि आप हमारे इस पटल पर आए और अपना जो भी आपका जो ज्ञान है उसको थोड़ा सा हम लोगों को भी देने की कृपा करें। तो ब्रिजलाल सर आपको फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद, और इस पटल पर उपस्थित सभी लोगों को, सभी प्रतिभागियों को एक बार मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, और नागेश सर को विशेष रूप से धन्यवाद, क्योंकि नागेश सर इन जो जो विशिष्ट चीजें हैं, जो विशिष्ट बिंदु हैं, उन बिंदुओं पर हम लोग आपस में चर्चा करते हैं, और नागेश सर के द्वारा लगातार कंटिन्यू एक दिन में दो दो वेबिनार संचालित किए जा रहे हैं। ये सच में प्रशंसा के पात्र हैं, और सर के द्वारा जो
चीजें हम लोगों को मिल रही हैं, हम उनको स्पेशल एजुकेशन में कभी भुला नहीं सकते। नागेश सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं किसी धन्यवाद का पात्र नहीं, क्योंकि मैं तो सिर्फ आप सबके आदेशों का पालक हूं। आप सभी का बारंबार धन्यवाद, क्योंकि ये जो विकट काल बना था, इस विकट काल में एक ऐसे संयुक्त प्रयास की आवश्यकता थी जो छात्र हित को सामने रखकर और बड़ी ही ऊर्जा के साथ, विद्वत्ता के साथ आगे आ करके एक समयबद्ध प्रणाली से बाहर निकलकर ड्यूटी टाइम जिसको कहते हैं ऐसे सामान्य भाषा में, उस ड्यूटी टाइम से बाहर निकलकर अगले दिन की कार्यक्रम और अगले दिन की तैयारियों को आगे बढ़ाते हुए क्लास कराने की जरूरत थी, जिसको आप लोगों के सहयोग से इस पटल पर किया जा रहा है। और आप सभी जानते हैं इस पटल से संबंधित, सर को शायद ये बात पहले ही पता हो, लेकिन न पता हो तो मैं सर को बता दूं, 15 जुलाई सन 2020 से लगातार सर अब तक हम लोग 130 से ज्यादा लाइव क्लास वेबिनार आयोजित करा चुके हैं, और आप लोगों के ही आशीर्वाद से लगभग 100 से अधिक असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर और लेक्चरर को हम लोग अपने बीच सुन चुके हैं। हमारे सभी छात्रों का यह गौरव है कि आप लोगों का आशीर्वाद हम लोगों को मिलता रहता है। तो मैं इसी धन्यवाद की कड़ी में धन्यवाद करना चाहूंगा सीआरसी लखनऊ का, जो हमारे साथ इस पटल पर बने हैं, सभी छात्रों के हितों के लिए लगे हैं। धन्यवाद करना चाहूंगा टीसीटीवीएस लखनऊ का, जिनका सहयोग हमें अपेक्षित मिलता रहता है और उनका सानिध्य मिलता रहता है। धन्यवाद करना चाहूंगा टीएस मिश्रा मेडिकल कॉलेज अमौसी का, जिनका सानिध्य बना रहता है। धन्यवाद करना चाहूंगा सीआरसी पटना का, जहाँ के कोर्स कोऑर्डिनेटर श्रीमान लालचंद भाई साहब, प्रदीप सर, वहां के लेक्चरर सब कार्यक्रम में उपस्थित होकर छात्रों को लेकर के यहाँ पे अपनी अपनी उपस्थिति दर्ज करते हैं। धन्यवाद करना चाहूंगा अयोध्या से एनएबी का, जो हमारा सेंटर चलता है, वहां के प्यारे बेटे बेटियों का और सभी अध्यापकों का, जिनका सहयोग हिंद पीजी कॉलेज बाराबंकी का तथा 9 राज्यों से समय समय पर जुड़ने वाले हमसे हमारे विशेषज्ञों का, सभी का मैं धन्यवाद करूंगा। और पुनः धन्यवाद के क्रम में आदरणीय ब्रिजलाल ठाकुर सर को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, एवं कल नहीं परसों अर्थात 30 तारीख को पुनः 1 से 2 बजे मिलने के वायदे के साथ सर को आज के इस क्लास पूर्णता की तरफ करने के लिए सादर प्रणाम करता हूं और इस पटल की तरफ से धन्यवाद देता हूं। और आशा भी प्रस्तुत कर दे रहा हूं कि परसों 1 से 2 पर हम लोग पुनः मिलेंगे अगली कड़ी को साधने के लिए। सादर प्रणाम सर, सादर प्रणाम। सभी लोग लेफ्ट कर सकते।